नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नल जल योजना में भारी गड़बड़ी आई सामने। बिहार के कई जिलों में बारिश तो कई जिलों में हीट वेव के आसार। अब अपने प्रखंड से किसी भी पंचायत से मुख्य प्रत्याशी लड़ सकेंगे चुनाव। और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, आज से शुरू होगा IPL 2021 का घमासान। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। BPSC ने निकाली भर्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वित्त विभाग में अंकेक्षण निदेशालय में सहायक अंकेक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की मांग की गई है, जिसकी प्रक्रिया 17 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली है, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 138 पद पर निकाले गए आवेदन को 15 मई 2021 तक पूरा कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव ने इसको लेकर जानकारी साझा कर दी है कि संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। सहायक अंकेक्षण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित सारी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। हालांकि ध्यान रहे कि सहायक अंकेक्षण अधिकारी के लिए वही उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं जिन्होंने वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या फिर गणित में से किसी एक विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या MBA, फाइनेंस, CA और CICWA और CS डिग्रीधारी ही आवेदन दे सकेंगे। नल जल योजना में भारी गड़बड़ी आई सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसके तहत बिहार में अब तक 1475 वार्ड में नल जल योजना में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद इन सभी वार्ड के मुखिया और अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया जाएगा। इस बाबत पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ही कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। मंत्री सम्राट चौधरी ने DM, DPRO और BDO को निर्देश दिया है कि जिस भी पंचायत से शिकायत आए वहां के संबंधित मुखिया और वार्ड काउंसिलर को नोटिस जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त या फिर राज्य सरकार द्वारा पद से हटाए गए मुखिया या उप मुखिया अगर पंचायत चुनाव में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार के कई जिलों में बारिश तो कई जिलों में हीट वेव के आसार। बिहार के इन जिलों में हीट वेव के आसार दिख रहे हैं, तो कहीं कुछ जिलों में बारिश होने की भी उम्मीद जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो राज्य के दक्षिणी, मध्य और दक्षिणी जिलों में पारा 41 के आसपास रह सकता है। इसके साथ ही गर्म पछुआ हवाओं के तेज प्रवाह की वजह से लू की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो येलो अलर्ट कई जिलों में जारी कर दिया गया है, साथ ही लोगों से सचेत रहने की बात कही गई है, जिसके तहत जिन जिलों में बारिश के साथ साथ हीट वेव का असर दिखने वाला है उनमें पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल का नाम शामिल है। अब अपने प्रखंड के किसी भी पंचायत से मुख्य प्रत्याशी लड़ सकेंगे चुनाव। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर अब एक अहम जानकारी साझा किया है, जिसके तहत अब यह तय कर दिया गया है कि किसी भी प्रत्याशी का नाम उस चुनाव क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल है तो वह उस प्रखंड के किसी भी ग्राम पंचायत से मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। आयोग की तरफ से ग्राम पंचायत के सदस्य और 6 पदों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव क्षेत्रों, उम्र सीमा और नामांकन शुल्क की फीस को भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उस ग्राम पंचायत के उसी वार्ड से भी चुनाव को लड़ सकते हैं जिस निर्वाचन क्षेत्र की सूची में उनका नाम दर्ज है। कमिश्नर और IG से मिले स्पीकर। बीते दिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए गए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के दौरान हुए हंगामे और मारपीट के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विशेष बैठक बुलाई थी। इनमें पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और पटना IG संजय सिंह के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कड़े लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि व्यवहार और मर्यादा के लक्ष्मण रेखा लांघने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है, चाहे वो विधायक हो या फिर कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी। हर हाल में विधायकों के साथ सौम्यतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। विधायकों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सदन की गरिमा हमेशा से सर्वोपरि है। इसके साथ ही उन्होंने दुर्व्यवहार के लिए दोषी पुलिस कर्मियों की पहचान कर वीडियो और अन्य साक्ष्य के आधार पर जांच शुरू करने के साथ ही सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया है। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक अपनी नौकरी को अब जारी रखने वाले हैं। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित दूसरी एजेंसीज को 6 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि इस मामले में प्रभावित और प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 2500 से 3000 के बीच बताई गई है। आपको बता दें कि ये वैसे शिक्षक हैं जिन्हें इंटर में 50% अंक नहीं होने के कारण NIOS ने अभी ट्रेंड घोषित नहीं किया था और इन्होंने NIOS से परीक्षा दी है मगर रिजल्ट अब तक नहीं आ सका है।
बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2000 के पास। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। वही बिहार में भी मामले अनियंत्रित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 1911 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 273,830 पर पहुंच चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो पटना में 743 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही गया में 201 और वहीं भागलपुर में 145 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की बात करें तो कुल मिलाकर 328 मरीज ठीक हुए हैं और अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 264,730 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,504 पर पहुंच गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव आयोग ने सभी डीएम और एसपी को जारी किया दिशा निर्देश। बिहार में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इसको लेकर ही बीते दिन चुनाव आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम और एसपी को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कई फाइलों को अपग्रेड करने का आदेश दिया गया है। दरअसल नए नगर निकायों के गठन के बाद कई आरक्षित पंचायत चुनाव वाले क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में फाइलों को अपग्रेड करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही खर्च का विवरण भेजने का निर्देश दिया गया है। पटना के बाद अब पूर्णिया और गया में खुलेंगे खादी मॉल। पटना के बाद अब पूर्णिया और गया में भी खादी मॉल खोलने की तैयारी हो रही है। गया में खादी मॉल भवन का थीम बुद्धिज्म होगा, जबकि पूर्णिया में गांधीज्म पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिहार के शिल्पकारों की प्रतिभा को बाजार मुहैया करवाने के उद्देश्य से ही देश भर के चुनिंदा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर उपेंद्र महारथी कला संस्थान के केंद्र खोले जाएंगे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विभागीय बैठक में ये निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री के साथ साथ उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और उपेंद्र महारथी कला शिल्प संस्थान के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। बिहार को आज मिलेगी कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं मामलों में हो रहे इजाफे के बीच आज बिहार को वैक्सीन की बड़ी खेप मिलने वाली है, जिसके तहत आज बिहार को 9 लाख डोज मिल जाएगी। इससे पहले ही बिहार को लगभग 8 लाख की डोज मिली थी। जानकारों की माने तो यह वैक्सीन फ्लाइट से पटना पहुंचेगी। इससे पहले 7 अप्रैल को भी 8 लाख डोज बिहार को वैक्सीन के रूप में मिली थी। इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया है कि राज्य को शुक्रवार को केंद्र से कोरोना वैक्सीन के 9 लाख डोज बिहार को मिल जाएंगे, जिसके बाद कई जिलों से कोरोना वैक्सीन में कमी होने की शिकायत को भी अब दूर किया जा सकेगा। बिहार में पकड़ा गया जाली नोट का डिलीवरी बॉय। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज अनुमंडल की पुलिस ने गुप्त सूचना पर 62,200 रुपए के जाली नोटों के साथ अंतर जिला नोट तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने यह कामयाबी सुभाष चौक स्थित बस स्टैंड पर छापेमारी कर हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए युवक के पास से पुलिस को 200, 100 और 50 रुपए के लगभग 62,200 रुपए के 7 बंडल भारतीय जाली नोट हाथ लगे हैं। खबरों की माने तो जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया डरपोक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने ईटीवी भारत की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे जनता और मुसीबतों का सामना करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, सरकार जनित विकराल समस्या और आपदा के समय पीड़ितों से मुलाकात न कर आलिशान बंगले में छुप जाना उनकी पुरानी डरपोक आदत रही है और यह बेहद निंदनीय है। आपको बता दें कि ईटीवी भारत ने हाल ही में एक खबर छापी थी, जिसमें यह सवाल पूछा गया था कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में बड़ी घटनाओं के दौरान मुख्यमंत्री दूरी बना लेते हैं। जदयू के बाद अब भाजपा दे सकती है लोजपा को झटका। भाजपा के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को रामजी की सेना ही बड़ा झटका देने वाली है। हाल ही में लोजपा को जदयू की तरफ से झटका मिला था, जिसके तहत लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने लोजपा का साथ छोड़ दिया था। वहीं अब खबरों की माने तो संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद जिन भी विधायकों ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़कर लोजपा का हाथ थामा था उनकी घर वापसी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार में अभी से भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में लक्ष्य बनाकर संगठन को गढ़ने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि पार्टी तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुट गई है। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर विभिन्न कारणों से छिटके या फिर निकाले गए नेताओं की वापसी की जमीन तैयार की जा रही है।
आज से शुरू होगा आईपीएल का घमासान। आईपीएल की 14वें सीजन की शुरुआत आज से होने वाली है, जिसके तहत आज पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच होने वाला है। आईपीएल 2 साल के बाद एक बार फिर से भारत में आयोजित हो रहा है। पिछले साल आईपीएल कोरोना के कारण ही भारत से बाहर यूएई में हुआ था। कोरोना के चलते इस साल दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति नहीं है, ऐसे में आप घर पर बैठकर भी मैच को देख सकते हैं। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच आईपीएल का पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। बर्थडे केक काटते ही रोने लगी स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर आज अपना जन्मदिन मना रही है, जिसके तहत ही सुबह से ही उनके फैंस और फ्रेंड्स उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह केक काटती नजर आ रही है। उनके बर्थडे से पहले उनकी फैमिली ने उन्हें सरप्राइज दिया था। स्वरा इस दौरान काफी इमोशनल हो गई और रोने लगी। इस वीडियो को शेयर करते हुए स्वरा ने लिखा कि मेरे पेरेंट्स और साथ काम करने वालों ने मेरे बर्थडे इवनिंग पर सेलिब्रेशन रखा था। यह एडवांस में था तो मैं सरप्राइज रह गई। मैं सच में सरप्राइज थी। मैं दुनिया की सबसे लकी इंसान हूं जिसे ऐसे पेरेंट्स, परिवार और ये दोस्त मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज से शुरू होने वाले आईपीएल के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।